खाने को खा लेना, साहब को दूसरा वाला करके मैं करूंगा यार, मेरा भाई, ऐसा काम लग रहा है नहीं शादी पे मैं खिला रहा हूँ यार, फ्री में खाना है। क्योंकि बात हो रही है। मेरे दोस्त ही हैं यहाँ, कई बार ऐसा हो चुका है। सर कोई नहीं, मैंने हम क्या कर रहे हैं, आप किस चीज की सर, बात कर रहे हो सर? ये आप देख लो, सर इन सर से पूछो आप, जो भी बात है इनसे खाने की बात पूछो, चल सके तुरंत। भाई, अरे टेबल मैं साफ एक्सप्लेन कर करता हूँ दे, ना, तो टेबल खाली नहीं खा साफ लेट्स कर। का टेस्ट कोई बीट ही नहीं कर सकता भाई, मजे बांध दिए इसने। सारे के सारे दोस्तों ने पूरी की पूरी चिकन रान उड़ा दी है, 2 से 3 किलो के करीब बीच की थी ये। तो भाई अभी हम सामने आ गए हैं बिल्कुल गुलजार के, और गुलजार होटल के सामने ही खड़े हुए हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको, तो काफी अच्छा होने वाला है भाई। अभी हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, ये रिसेप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफी अच्छा होने वाला है व्यू। और ये देखो काफी यहाँ पे अच्छा होटल है, काफी भीड़ भी है यहाँ पे, काफी सारे लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये सब हमारे दोस्त हम घूम रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं, किधर चले गए दिखाई नहीं दे रहे हमें, कहाँ बैठे हुए हो। अच्छा तुम लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ हो तुम लोग। तो भाई अभी हम आ गए हैं गुलजार होटल पे, और यहाँ पे हमने एक सीट बुक कर ली है। तो भाई मैं इस होटल का आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप जब जामा मस्जिद पे आओगे, जामा मस्जिद के 2 नंबर गेट के सामने गुलजारा होटल मिल जाएगा आपको। तो फिर आप वहाँ पे आप जाकर के अपने ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे काफी टेस्टी खाना मिलने वाला है आपको। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, और काफी खुशहाल होने वाला है, बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। तो गाइज हमने ऑर्डर किया है चिकन बुर्रा, जो कि मुगलई डिश की सीरीज में आता है। ये खाने में बहुत ही लजीज है, साथ में इसको जो जब बनाते हैं तो देसी घी और मलाई और क्रीम के साथ में बनाया जाता है। इसको पहले फ्राई करते हैं, उसके साथ में इसको रोस्ट मतलब मिलाते हैं, फिर जा करके ये तैयार होता है। साथ में इसको अगर आप लेते हो प्याज नींबू के साथ में, तो काफ़ी टेस्ट आपका बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ। साथ में आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, जिससे आपका टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट जो डिश आने वाली है मुगलई डिश, वो है मटर नान। जस्ट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो गाइज हमारा ऑर्डर मटर नान भी आ चुका है, और काफ़ी खूबसूरत सा है ये देखने में, और काफ़ी इसमें खुशबू भी आ रही है, क्योंकि ये जो बना होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, जैसे लाइक जिंजर और आपका धनिया वगैरह, मिंट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है, काफ़ी अच्छा है, खुशबू आ रही है देसी घी की, क्योंकि ना जो गुलजार है वो देसी घी के लिए फेमस है, जो ज़्यादातर अपनी डिशेस जो हैं वो देसी घी में ही बनाता है। काफ़ी खूबसूरत है, पूरा का पूरा लेग पीस है ये। काफ़ी हम सारे दोस्त इसको मिलकर उड़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में है रुमाली रोटी, रुमाली रोटी से इसके खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, एकदम मज़े बांध रखे हैं इसने, काफ़ी अच्छा है ये। इसको जब बनाने का जो एक यूनिक तरीका होता है, काफ़ी अच्छे से ये लोग बनाते हैं इसको। काफ़ी सारे इसमें मटेरियल्स वगैरह, काफ़ी सारे मतलब इसमें मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं, उसके बाद में कहीं जाकर ये बेसिकली बनता से है। धीरे धीरे जो हीट होती है उस पर इसको रखते हैं, उसके बाद में इसको बहुत टाइम लगता है बनने में, जिससे कि हमारे पास आने में भी टाइम लगा था। इसकी बोटी बहुत लबाबदार है, बहुत आराम से आप पकड़ सकते हो, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको जो बनाते हैं, जब वो हीट हो जाता है थोड़ा, ठीक है पक जाता है अच्छे से, उसके ऊपर से ये पनीर वगैरह, घी वगैरह और मलाई वगैरह डालते हैं, उसके साथ में मसाले वगैरह ये डालते हैं। पहले इसको काट भी लेते हैं, उसके बाद में इतनी मेहनत से ये तैयार होता है, तभी इसका टेस्ट आता है। एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस हुआ था सिकंदर के टाइम से, 327 BC से पहले के टाइम में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस सिकंदर के टाइम से ये आज तक इतना फेमस है कि बहुत ज़्यादा दिल्ली 6 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ ये यही है मटर रान। काफ़ी खूबसूरत है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल, और मतलब इसका मज़ा ही कुछ और है, खाने में तो लाजवाब है, इसका टेस्ट कोई बीट ही नहीं कर सकता भाई, मज़े बांध दिए इसने। सारे के सारे दोस्तों ने पूरी की पूरी चिकन रान उड़ा दी है, 2 से 3 किलो के करीब बीच की थी ये, और कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, केवल 2000 रुपीज़ की है ये। साथ में आपको नान ले सकते हैं, या फिर आप जो रुमाली रोटी वगैरह ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड से आप टेस्ट ले सकते हैं। तो गाइज हमारी नेक्स्ट डिश है चिकन फ्राई, जो सबने खाई होगी और सबका फेमस डिश भी है ये। हम अपने घर पे भी इसको कर लेते हैं, साथ में चटनी प्याज के साथ में अपने घर पे भी इसको खाते हैं, काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे। ऊपर से मसाला वगैरह डाला हुआ था तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम मज़े बांध दिए हैं। सारे के सारे लोग इसकी तारीफ ही कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, अच्छे से फ्राई की हुई है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर से मसाले कुछ एक्स्ट्रा डले हुए हैं, जैसे काली मिर्च का पाउडर वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इस पे अच्छी हैं। काफ़ी अच्छा लगा खा करके भाई, मज़ा आ गया एकदम। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, इस होटल पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं बाहर से खाने के लिए, काफ़ी टेस्टी खाना है यहाँ का। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे जो टिश्यू है ना वो भी ब्रांडेड मिलते हैं, जो यहाँ का होटल है गुलजार उसके नाम का ही ब्रांड उस टिश्यू पे बना हुआ होता है। प्याज और चटनी का तो कुछ कह ही नहीं सकते, चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मज़े आ गए एकदम भाई। फाइनली गाइज हमारा बिल आ चुका है, ये देखिए
चिकन रान है, चिकन बर्रा है, चिकन फ्राई है, रुमाली रोटी और नान वगैरह, पानी की बोतल। टोटल बिल है 3289 रुपये। तो भाई बिल वगैरह पे करके और सॉस वगैरह ले करके हम फिर निकल गए रिसेप्शन की तरफ। जैसे कि हमारी आदत है यार, हम सबकी आदत है, पहले हम पहले खाने में कमी निकालते हैं। अगर खाने में कोई कमी नहीं होती है तो हम वहाँ के स्टाफ या मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर निकालते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं थी, ये तो चीज़ भाई सही यहाँ नहीं पे थी। हमने फिनिश कर दिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। भाई सर्विस भाई नहीं करा है आपके यहाँ पे बंदे। जो एक बंदा था हुसैन नाम था, वो प्लेट्स को ना बार बार टेबल पे मार रहा था। उसको हमने बोला कि इसको साफ कर दो, उसने साफ भी नहीं किया, एक प्लेट लेके चला गया, वापस से आया नहीं वो बंदा। नहीं मैं अपनी बना रहा हूँ, आपकी नहीं बना रहा, मैं अपनी बना रहा हूँ, आपकी नहीं बना रहा। हुसैन को आप बुला लीजिए भाई एक बार, सराय रखी हुई इतना लगेगी कैजुअल अगर खा बिहेवियर, लेंगे इतना खा लेंगे कैजुअल ना किसी। छोड़ देंगे। हम यहाँ पे सर्विस के लिए आते हैं हाँ और बात सर्विस पहले अगर से आपकी आप बात खराब है तो करिए, वापस से कंप्लेंट आएंगे देंगे क्या हम बस आपके? पक्ष होकर के आए कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ मैंने इनको कहा कि फोटो अपने लो, किसी कस्टमर बुरा अरे मत नहीं वो बोलना, बात नहीं है, ये मैंने आप बोला फिर। अरे अरे हाँ इसको छोड़ो, इस बात इसकी हाँ बात हो रही क्योंकि है। मेरे दोस्त ही हैं यहाँ, कई बार ऐसा हो चुका है। अरे सुनो नहीं सर, सुनो मैं सर, हम क्या कह रहे हैं, आप किस चीज की सर बात कर रहे हो सर? ये आप देखिए सर खाने इन सर से पूछो, जो भी बात है इनसे पूछो, की बात यही है, तो जैसे कि करोगे। भाई सर अरे टेबल मैं साफ एक्सप्लेन कर बताऊँ दें, ना, तो खाने टेबल की भी बात, साफ लेट्स बी करेंगे एक्सप्लेन आप। सर। आपका एक बंदा है हुसैन नाम का, उसको हमने बोला कि ये जो हमारी टेबल है उसको साफ करनी है, ठीक ओके है? इस बंदे ने बोला कि उसको साफ कर दो, वो एक प्लेट लेके चला गया, वापस से आया नहीं। उसके बाद उसने उसको आवाज लगाता है कि आप आ जाओ इसको साफ कर दो। तो इतना कैजुअल बिहेवियर उसका कि मतलब क्या ही बताऊं मैं, एक छोटे से होटल पे नहीं मिलेगा। हेलो। हम यहाँ पे सर्विस के लिए आते हैं या फिर किसी और चीज के लिए नहीं आते मैं हैं? देखता हूँ अगर बस, आपकी सर्विस खराब होगी वापस से आएंगे हम आपके पास। मैं उसी को देखता हूँ। आप एक बार इसको बुला लीजिए, अभी आप उससे बुला, बात करिए, हम ये चाहते हैं हमारे सामने आप उससे बात करिए। अभी तो आप इसको बुला आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए बना रहा हूँ यार, बंदे पोलाइट होना चाहिए। सही है ना और भाई सर्विस इंडस्ट्री यार, में मैं भी बहुत टाइम से हूँ यहाँ पे, मोस्टली लोग सुनो सर्विस में, आप भी बैठे हो सर्विस इंडस्ट्री में। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री सर्विस पूरी तरह से नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई, सही बात है। भाई का ऑर्डर लेकर हम साफ करा तो रखे ऐसे, तेरा यार, खाने को खा लेना साफ, और दूसरा बार करके मैं नहीं करूंगा, मेरा मेरा ऐसे काम लग रहा है नहीं शादी पे मैं खिला रहा हूँ या फ्री में है। खाना है। चलो तो गाइस जिस बंदे ने हमारे साथ मिसबिहेव किया था उसकी हमने अप्लाई करवा दी है और अभी हम मार्केट में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।